एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसके दो सीजन आए कब, और आने के बाद इसको देखकर लोगों ने इसके थर्ड सीजन की मांग कर ली। आज की इस वीडियो में बात करूंगा ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल सीजन 3 के ट्रेलर के बारे में, जिसे ऑल्ट बालाजी या फिर कहूँ एक सॉफ्ट पोर्न की जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर रिलीज किया जाएगा। और सच में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाकर मैं इसके ट्रेलर को देखूं, लेकिन हमारी जनता है ना बहुत महान है, वो अच्छी चीजों को प्रमोट करे ना करे लेकिन वो कचरे को जरूर प्रमोट कर देती है। और इसका उदाहरण आप लोग इंडियन यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर जाकर देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक कचरा आप लोगों को वहां पर हिट मिलेगा। और मुझे भी इसका टीजर वहां पे ट्रेंड करता हुआ मिल गया, उसके टीजर से मैं इसके ट्रेलर पे पहुंचा। तो ये तो थी कहानी इसके ट्रेलर पे पहुंचने की। अब जो इसके ट्रेलर में कहानी दिखाई गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो इस ट्रेलर में एक ही चीज जो सबसे पहले अच्छी चीज है उसी के बारे में बात करते हैं, एक ही चीज मुझे अच्छी लगी वो था इसका म्यूजिक। म्यूजिक और एक और जो है इसमें सिद्धार्थ शुक्ला, उनको अगर साइड में हटा दें, सच कहूं इस ट्रेलर के अंदर नील भट्टे सन्नाटा है। और अगर आप इसका ट्रेलर देखोगे तो वहां के कमेंट सेक्शन पर जाकर देखना, वहां पर ज्यादातर जो ऑडियंस है वो सिद्धार्थ शुक्ला के कारण ही वहां उसको ट्रेलर को देखने आई और उसी कारण उसको वो ट्रेंड में करवा रहे हैं। ओल्ट बालाजी की अगर आप कोई भी सीरीज कोई भी मूवी उठाकर देख लो भाई साहब, इनके अंदर एक तो अपनी जो आइडियोलॉजी इन्होंने डाल रखी है ना उसमें भर भर करते हैं, गाली उसमें दारू सेक्स यही सब इनको दिखाना आता है। मुझे यकीन नहीं होता है इनके पास क्या कहानी नहीं है क्या, या फिर यही कहानी है सिर्फ और सिर्फ यही चीजें दिखानी है। इसका ट्रेलर टोटल 2.5 मिनट का है जिसको देखने में यार सच में मेरा सरदर्द हो गया, और मैं ये सोच रहा हूँ इसकी सीरीज ये जो सीरीज आएगी इसको देखा कैसे जाएगा। यकीन मानो यार जब मैं इसके ट्रेलर को देख रहा था मैं यही सोच रहा था यार बताना क्या चाहते हो, आखिर ये कहना क्या चाहता है ये ट्रेलर, मतलब कौन है क्या है कौन क्या बात कर रहे हैं किस लिए चल रही है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर मोटा मोटा देख कर बस यही कह सकता हूँ कि इसके अंदर लव स्टोरी होने वाली है, पहले उनका लव होगा फिर उनके बीच में टूट जाएगा फिर लास्ट में शायद जुड़ जाएगा, बस यही है। हम तो बस यही चलाते आ रहे हैं आज तक तो बॉलीवुड के अंदर, लव के ऊपर तो 300-400 मूवीज या सीरीज बना के डाल दो भैया। पर इस ट्रेलर को देखकर एक चीज और मुझे महसूस हुई कि भाई इसके जो मेकर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है ये बताने की इस ट्रेलर में बहुत कुछ चीजें होने वाली है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने गुड़ गोबर कर दिया है, इतनी सारी चीजें उन्होंने घुसेड़ दी है, सच में ये ट्रेलर बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं कर पाए। अगर आप लोगों ने ये जो सीरीज देख रखी है इसके सीजन 1 सीजन 2 देख रखा है तो आप लोग प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों ने जो ट्रेलर देखा है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। बेशक आप लोगों को सिद्धार्थ शुक्ला करके ये ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और जेन्युइनली ये म्यूजिक और सिद्धार्थ शुक्ला जो है यही पसंद आ रहे थे इस ट्रेलर के अंदर, बाकी तो इसमें कुछ है भी नहीं। आप एक बार साइड में हटाकर देखिए इन दोनों को, इसमें और कुछ भी आपको इंटरेस्टिंग नहीं मिलेगा, मैंने कहा ना नील भट्टे सन्नाटा है ये। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।